Now the second statement is every point on the number line is of the form root m where m is a natural number. तो ये जो statement है ये एक false statement है क्योंकि अगर हम radical sign के under कोई भी natural number लेंगे तो हो सकता है उसकी value जो है exactly हमें कहीं ना कहीं दिखे number line पर। लेकिन बहुत से number ऐसे भी होंगे जो कि radical sign के under decimal numbers को solve करने से आए होंगे। यानी root 3.6 भी कोई ना कोई number जरूर होगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो नंबर एग्जैक्टली रूट के अंदर एक नेचुरल नंबर को रखकर आया हो एंड नाउ द थर्ड स्टेटमेंट इज एवरी रियल नंबर इज एन इेशनल नंबर ये जो स्टेटमेंट है ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है ऐसा इसलिए क्योंकि सारे रेशनल और इेशनल नंबर्स तो रियल नंबर्स हैं लेकिन सारे रियल नंबर्स कोई एक कैटेगरी नहीं हो सकते मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन वी आर आस्ड इफ स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर इेशनल और नॉट तो इसका आंसर है नो स्क्वायर रूट्स ऑफ अ पॉजिटिव इंटीजर इज नॉट ऑलवेज रेशनल जैसे कि अगर हम स्क्वायर रूट करें फोर का तो आंसर टू आता है तो स्क्वायर रूट तो हमने पॉजिटिव इंटीजर का किया है लेकिन आंसर जो है एक रेशनल नंबर आया है सिमिलरली जो परफेक्ट स्क्वायर होते हैं नंबर फॉर एग्जाम्पल रूट उसका स्क्वायर रूट करने पर जो है सेवन आता है तो कुछ नंबर होते हैं स्पेसिफिकली जो कि स्क्वायर रूट करने पर भी रेशनल आ जाते हैं

रूट फाइव का स्क्वायर होता है फाइव अब हम बेस और परपेंडिकुलर की वैल्यूज खुद से सोचेंगे कि फाइव जो है किस नंबर के स्क्वायर के सम के बराबर आ सकता है तो सपोज अगर हम बेस की वैल्यू टू ले लें यानी टू स्क्वायर और परपेंडिकुलर की वैल्यू वन एज्यूम कर लें वन स्क्वायर तो टू स्क्वायर यानी फोर प्लस वन जो है फाइव आने वाला है यानी ये जो वैल्यूज हमने ली थी ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही हैं सो so, इस इंफॉर्मेशन की हेल्प से हम एक राइट एंगल ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करने वाले हैं एक यूनिट का परपेंडिकुलर बना लेने के बाद हमें जीरो से इस पॉइंट को ज्वाइन करना है सो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर जीरो से लेकर यहाँ दो यूनिट्स है और अगर ये एक यूनिट है तो हाइपोटेनस जो है वो रूट फाइव होनी चाहिए फिर हम कम्पस की हेल्प से कंपस के पॉइंट को जीरो पर रखते हुए इतना ओपन करेंगे जिससे हमें रूट फाइव के डिस्टेंस मिल जाए एंड देन एक आर्क नंबर लाइन पर ड्रॉ करेंगे तो ये जो पॉइंट यहाँ पर होगा ये रूट फाइव को रिप्रेजेंट कर रहा होगा यानी कि जीरो से लेकर यहाँ तक की इस पॉइंट तक की डिस्टेंस जो है वो रूट फाइव यूनिट है इसके अलावा हम इस क्वेश्चन को एक और तरीके से कर सकते थे इस बार हम बेस टू को एज्यूम नहीं करते इस बार बेस हम वन यूनिट को एज्यूम करते तो जीरो से लेकर वन को बेस मानते हुए हम एक टू यूनिट का परपेंडिकुलर यहाँ पर ड्रॉ करेंगे टू यूनिट्स का परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद हम जीरो को इस पॉइंट से ज्वाइन करेंगे ताकि एक राइट एंगल ट्राइंगल कंप्लीट बन सके इसके बाद हम कंपस के पॉइंट को जीरो पर रखते हुए इतना ओपन करेंगे एंड देन नंबर लाइन पर एक आर्क ड्रो करेंगे पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर ये वन बेस था और टू परपेंडिकुलर था तो ये डिस्टेंस भी रूट फाइव होनी चाहिए थी इसी डिस्टेंस को हमने नंबर लाइन पर प्लॉट किया यानी कि ये पॉइंट जो है ये रूट फाइव को रिप्रेजेंट कर रहा है और सिमिलरली जीरो से लेकर यहाँ तक ये यह जो डिस्टेंस है ये रूट फाइव यूनिट्स को रिप्रेजेंट कर रही है सो आई होप आपको ये दोनों ही मेथड समझ आए होंगे और इसी के साथ ये एक्सरसाइज यही होती है खत्म मिलते हैं आपसे अगली एक्सरसाइज में